आज तारीख हो 27 अक्टूबर 2021 दाहोद एपीएमसी से अक्षर ट्रस्ट में बात कर रहा हूँ। यहाँ से जो माल आ रहा है दाहोद एपीएमसी से, अभी ज़्यादातर से इस वक्त मध्य प्रदेश और खास करके महाराष्ट्र के नासिक मालेगांव उस तरफ से आते हैं। अभी जो वालोड सामने दिखाई दे रही है दो टाइप की है, वो 20 से 25 रुपए के बीच में जा रहे हैं। फ्लावर फूल गोभी प्राइस 20 से 25 में जा रहे हैं। मिर्ची यहाँ दो प्रकार की है, लोकल भी आती है, मध्य प्रदेश से भी आती है। धनिया 50 रुपये से जा रहे हैं, लोकल मिर्ची 20 रुपये की जाती है। टोमेटो मध्य प्रदेश से है, वो अलग अलग वैरायटी है, 30 रुपये की भी है, 35 की भी है। यहाँ शांति भाई जो मैनेजर हैं वो देख रहे हैं कि वो सभी के बिल बनते हैं, यहाँ वेगिंग मशीन पे बिल बनते हैं और फिर बाद में कंप्यूटर पे बिल बन के सबको दिया जाता है। दाहोद एपीएमसी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट है और सभी फार्मर्स के लिए ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। यहाँ ये जो टोमेटो जो दिखाई दे रहे हैं वेगिंग मशीन पे, वो मध्य प्रदेश के हैं, अभी 30 रुपये पे चल रहा है भाव। हम लोग अक्षर ट्रस्ट ने एक नई सेवा शुरू की है, हमारे जो फार्मर्स थे वो उनका छोटे फार्मर से उनका जो प्रोडक्शन जो वेजिटेबल का होता है गांव के अंदर हम लोग कलेक्शन करते हैं, जैसे दूध डेयरी होती है, उस फिर शाम को इकट्ठा हो जाता है माल और सेंटर से कलेक्शन लेके ले लेते हैं और सुबह में यहाँ मार्केट में हम लोग रखते हैं। जो फार्मर्स हो वो जो व्यापारी मर्चेंट के यहाँ रखना चाहते हैं वहीं रखते हैं हम लोग, जिसको उनके रिलेशन है, ताकि वो ट्रांसपेरेंटली कभी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ से जो सेल ऑफ होगा वो पेमेंट जो आएगा वो सीधे फार्मर्स के खुद के इंडिविजुअल अकाउंट में आएगा, आगे की वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम ये व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, ट्रांसपेरेंटली कर रहे हैं। इससे फ़ायदा ये कि वेजिटेबल फार्मर्स यहाँ से जो पेमेंट बैंक के अंदर जाता है तो वो पेमेंट उसके हाथ में उसके खाते में खुद के आते हैं। अभी व्यवस्था ऐसी है कि फार्मर जो है वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद यहाँ से पेमेंट लेते हैं, क्योंकि आज माल बिका है फिर वो चले जाएँ, फिर 2 दिन के बाद जब दूसरा माल आएगा तब वो लेने आएगा। ये की व्यवस्था, या तो खुद को लेना है तो उस दिन पूरा समझो 10-11 के बाद उसको पेमेंट मिलेगा, मार्केट का सब कामकाज ख़त्म होने के बाद तो पूरा दिन चला जाता है। तो अब ये सी है कि ये व्यवस्था हमने संभाल ली तो उसका पूरा दिन नहीं निकलता है, तो उसको अपने मजदूरी करना है, कोई भी काम करना है वो जा सकते हैं। दूसरा बैंक के अंदर जाता है पैसा, तो उसका बैंक के खाते में जाएगा पैसा, तो उसके खुद की क्रेडिट बनेगी, व्यापारी के पास ना रह के खुद के खाते में रहेगा पैसा, ये एक उसका फायदा है। तो मैं सभी और बहुत अच्छे अच्छे कई कोई जगह पे सरपंच है, कोई तालुका सभ्य है, कोई जिला पंचायत सभ्य है, ऐसे सम्मानीय माननीय व्यक्तियों भी अभी जुड़ना शुरू हो गए हैं। हम सभी को कह रहे हैं कि आप भी जुड़िए और आपका समय बचाइए, बैंक की प्रणाली में आइए और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी को भेजिए अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइब नीचे एक बटन है वो भी करिए। वेलकम।